सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। फरीदाबाद के प्रथला क्षेत्र के गांव चंदावली स्थित आईएमटी के 5 गांव के किसानों ने मुआवजा, बच्चों को कंपनियों में नौकरी और प्लॉट न मिलने पर आईएमटी पावर हाउस की सप्लाई बंद कर दी और पावर हाउस में ही धरने पर बैठ गए। वहीं विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े रहे। इस दौरान भारी संख्या में किसान महिलाएं भी मौजूद रही। दिखाई दे रहा ये नजारा आईएमटी में मौजूद पावर हाउस का है, जहां पर किसान अपने परिवार समेत धरने पर बैठ गए। किसान संघर्ष समिति के प्रधान रामनिवास नागर ने बताया कि आईएमटी के अंतर्गत सरकार द्वारा 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर किसान दिसंबर 2017 से आईएमटी पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान जिला उपायुक्त, विधायक टेकचंद शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मंत्री विपुल गोयल के साथ साथ 3 बार वो प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन के अलावा आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। जी, हमारे जो 5 गांव के किसान है ना, ये अपनी मांगों को लेकर के 17 दिसंबर 2017 से धरना दे रहे हैं आईएमटी चंदावली में। और इस बीच में हमारी जो डीसी साहब से, सीपी साहब से, अपने यहाँ के जो उद्योग मंत्री विपुल गोयल, अपने जो विधायक टेकचंद शर्मा, भारत सरकार के मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, और तो और 3 बार मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई है और सब ने ये कहा भी आपकी जो बात है वो सारी बात मान ली गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले साल 16 जून 2018 को नवादा गांव में फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए सीएम साहब आए थे और सीएम साहब ने यहाँ के बाकायदे घोषणा की थी कि भाई आपकी जो सारी मांग वो मान ली है मैंने और 2-3 महीने आपका जो बची पेमेंट वो भी कर दी जाएगी, और हमने जो अनाउंसमेंट डाली है प्लॉटों पर गरीब किसानों पर वो भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन इन बातों को भी 13-14 महीने हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बीच में जब चुनाव का समय आया था, जो कृष्णपाल गुर्जर अभी भी जो मंत्री है और पहले भी थे भारत सरकार में, उन्होंने गाँव में जो वो वोट मांगने गए थे तो लोगों ने अपना जो है उनसे कहा था जी हमारे काम आज तक नहीं है। पैसे के ऊपर बैठे किसान आदमी मार दिए, बहका बहका के झूठ बोल बोल के, हमारा कोई भी नहीं है, हमारा रुपया भूखे मर रहे हैं। क्या क्या मांग है आपकी? हमें यूँ मांग है कि एक तो हमारे प्लाटों पर जो पैसा लगाए गवर्नमेंट ने वो माफ हो जाए, जो हमारा पैसा बन रहा हो वो दे दो, जो भी बन रहा है। कब तक रहेगा आपका ये धरना प्रदर्शन? हम तो जब तक जिंदे रहेंगे, ना मिलो तो ऐसा ही रहेगा। वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी सदर भगत राम ने कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, इसकी सूचना उन्हें मिली है। अधिकारी मौके पर आकर किसानों को आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त करवाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से पुलिस को सूचना मिली और क्या क्या मांगे हैं कुछ बता पाएंगे? मांगे इनकी बड़े मुआवजा मांग रहे हैं, हमारा मुआवजा हो चुकी है, बातचीत चल रही है, लगता है मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।